Welcome all to online classes of B.B.S International School. In this video, we are going to learn concepts related to algorithm and flowchart. So let's get started with that. Okay, so first of all, in this we are going to learn about flowchart, right? So flowchart is what? Flowchart is a graphical representation of an algorithm. Algorithm ki baat karte hain pehle. To algorithm kya tha? Step by step kisi bhi kaam karne ke liye koi steps lene padte hain, certain steps na, to us steps ko jab complete kar lete hain तो उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। और उसी एल्गोरिथम को जब लोग पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जो एल्गोरिथम में हमने स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स लिए थे किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उन्हीं को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम की मदद से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो ऑफ्टन यूज़ करते हैं प्रोग्राम प्लानिंग टूल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और वो इंडिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन किधर से फ्लो कर रही है या प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। ठीक है, जो प्रोसेस है किसी भी फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए एक एल्गोरिथम क्या, उसी को हम लोग फ्लो चार्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो चार्टिंग। जो कुछ बेसिक सिम्बल्स हैं जो फ्लो चार्ट में यूज़ होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सिम्बल आपको दिख रहा है, इसको टर्मिनल बोलते हैं। ये वाले सिम्बल को क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल आप ये भी कह सकते हो, इनपुट स्टार्ट या स्टॉप बॉक्स कह सकते हो, जिसको आप लोग बहुत सी बुकों में स्टार्ट या स्टॉप बॉक्स दिखेगा। इसका क्या मतलब होता है? ये इंडिकेट करता है फ्लोचार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी इंडिकेट करता है फ्लोचार्ट कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट बॉक्स होता है उसको इनपुट आउटपुट बॉक्स बोला जाता है, जो आपके यहाँ फिगर पर दिख रहा है। इनपुट आउटपुट बॉक्स ये एक पैरेललोग्राम की तरह होता है, और इसका काम क्या होता है? इनपुट और आउटपुट टाइप को बताना। ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो इनपुट लेता है, जैसे आपको इनपुट कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसमें आप कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हो तभी जाके वो प्रोसेस करता है ना। तो जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो इनपुट डिवाइसेस से लेता है और उसके बाद डिस्प्ले जो करता है आउटपुट डिवाइसेस पे, उसको हम लोग पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी ऐसा काम जब हम जहाँ इनपुट मांग रहे होंगे इनपुट डिवाइस से, या जहाँ पर हम लोग आउटपुट दे रहे होंगे आउटपुट डिवाइस को, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट करने के लिए हम लोग जो बॉक्स यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम, और इस बॉक्स का पैरेललोग्राम की तरह होता है, और इस बॉक्स का नाम होता है इनपुट आउटपुट बॉक्स। ठीक है, जो नेक्स्ट होता है रेक्टेंगल शेप में, ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी अर्थमेटिक प्रोसेसेस होते हैं, जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, ये सब इस एक्शन या इस प्रोसेस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको प्रोसेसिंग बॉक्स भी बोला जाता है। फिर ये आपको डायमंड शेप में जो बॉक्स दिख रहा है, डायमंड शेप में जो बॉक्स दिख रहा है इसको डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, डिसीजन बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, जो डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट करता है डिसीजन पॉइंट। डिसीजन बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इसमें यस या नो होता है या ट्रू या फॉल्स होता है, इस तरह की कोई सिचुएशन है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसकी मदद से? डायमंड शेप की मदद से। ठीक है, फिर एक चीज़ होती है कनेक्टर्स। जब कभी फ्लो चार्ट आपका कॉम्प्लेक्स हो रहा है, या ये एक से ज़्यादा पेज, मान लो फ्लो चार्ट बनाने लगे, बनाते बनाते इतना बड़ा हो गया एक से ज़्यादा पेज में आपका जा रहा है वो, ठीक है, तब उस केस में कनेक्टर्स यूजफुल होते हैं जो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसको एक सर्कल के रिप्रेजेंट में, सर्कल के थ्रू हम बनाते हैं। फिर एक चीज़ होती है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस इंडिकेट करती हैं कि एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है जिसमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो एरो होती है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल बताती है, और रिलेशनशिप बताती है सिंबल, जो फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। समझ में इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दो नंबर्स ले रहे हैं यूज़र से और उसमें बता रहे हैं कि बड़ा कौन सा सबसे। जैसा आपको बताया था, सबसे पहला बॉक्स टर्मिनल या इसको स्टार्ट या स्टॉप बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे बोला था ये जो बॉक्स होता है इसको टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। ठीक है, जो स्टार्ट या स्टॉप बॉक्स बताता है। ये दूसरा होता है इनपुट, जो पैरेललोग्राम की तरह होता है, जो हमें ये बताता है कि इनपुट क्या, कहाँ इनपुट कहाँ हो रहा है, और आउटपुट का दोनों का काम करता है। फिर हमने यहाँ पर दो नंबर इनपुट करा दिए, नंबर वन और नंबर टू। ठीक है, जैसा कि हमें पता करना है, दो नंबर्स को हमें इनपुट कराना है, तो चाहे सी बात हमें पता होना चाहिए कि वो नंबर कहाँ पे है, तो हमने क्या करा, दो कौन कौन से, दो नंबर इनपुट नंबर वन, इनपुट नंबर टू। ठीक है, फिर यहाँ पर डिसीजन बॉक्स में गए, फिर चेक करा लिया कि नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू। यहाँ पर डिसीजन, हमने डिसीजन लेना था तो हमने यहाँ कंडीशन लगाई, अगर नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू है, अगर ये कंडीशन सही है तो क्या कर दें, डिस्प्ले क्या कर दें कि नंबर, देखो यहाँ पे भी इनपुट आउटपुट बॉक्स इन्होंने यूज़ किया है, और ये यहाँ पे क्या पर्पज़ इसका, यहाँ पे पर्पज़ आउटपुट दिखाने के लिए। तो जो पैरेललोग्राम वाला शेप होता है इसको आप इनपुट आउटपुट बॉक्स कहोगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम इनपुट लेते टाइम भी ये बॉक्स यूज़ करते हैं, और जब कभी हमें आउटपुट दिखाना होता है तब भी हम ये बॉक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर ये ट्रू हो गया। फिर उसके बाद जब ये, अगर इनकेस अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में डिस्प्ले करेगा नंबर वन ग्रेटर है,
अदरवाइज डिस्प्ले क्या कर देगा, नंबर जाहिर सी बात है अगर नंबर वन ग्रेटर नहीं है तो नंबर टू ग्रेटर होगा। जैसे यहीं पे एग्जांपल है, मान लो नंबर वन में हमने 7 भेजा और नंबर टू में हमने 6 भेजा, तो जाहिर सी बात ये कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी तो जाहिर सी बात दूसरा नंबर 6 था वो ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। और फिर ये करने के बाद आपने यहीं पर क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो यहीं पर आपको ये तो ये एल्गोरिथम था जिससे पता चल रहा है कि दो लोगों नंबर्स पे कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।